नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विन्या और एक बार फिर से आपका वेलकम है आपके ही चैनल पर। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं अपना होम टूर। आप लोग बहुत दिनों से कह रहे थे कि आप अपना घर दिखाएं, फ्रंट डिज़ाइन दिखाएं, तो मैं अंदर से बाहर तक आपको दिखाने वाली हूं। आई होप आपको ज़रूर पसंद आएगा। पिछला जो गार्डन ओवरव्यू मैंने बनाया था उसको आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। आशा है कि आप इस वीडियो को भी इतना ही प्यार देंगे। तो वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए जल्दी से देखते हैं अपना घर। और इसके साथ साथ आप मुझे चाहें तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं होम टूर। तो दोस्तों एंट्री करते हैं। देखिए मेन गेट, ये हमारा मेन गेट है और इसके साइड में आपको मैंने ये पहले भी प्लांट दिखाए हैं। मेरा छोटा सा गार्डन है और डिटेल में इनके बारे में मैंने पहले ही बताया हुआ है। ये देखिए इस तरीके से। और मेन गेट के इधर की साइड ये देखिए, ये मैंने प्लांट रखे हुए हैं यहाँ पे। ये सभी इंडोर प्लांट्स हैं क्योंकि यहाँ धूप नहीं आती है, कम आती है। और इधर देखिए, और अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो मैंने सर्दियों वाले प्लांट हटा दिए हैं। और ये देखिए गर्मियों के रख दिए हैं यहाँ पे। और कुछ अभी खिल रहे हैं, कुछ खिले नहीं हैं। तो देखिए प्यारा सा मेरा छोटा सा गार्डन है, ये देखिए। और ये देखिए केग, उस दिन मैंने आपको दिखाया था जो अमेज़न से परचेज करे थे, वो मैंने यहाँ पे हैंग कर दिए हैं। और इसके ऊपर देखिए ये एक छोटी सी खिड़की है जो हमारे घर को बहुत ही प्यारा लुक देती है। और इस पे मैंने ये देखिए हैंगिंग प्लांटर लगाए हुए हैं। और इधर छोटे छोटे प्लांट रखे हुए हैं। और ये छोटा सा हमारा ये गार्डन है, ये देखिए। एक लुक मैं आपको दिखा देती हूँ पहले, ये देखिए इस तरीके से लगता है ये। और हमारे घर के दो दरवाजे हैं, एक ये वाला है और एक इधर से है। तो यहाँ से हम एंट्री करेंगे पहले। तो यहाँ भी देखिए प्लांट रखे हुए हैं मैंने। तो चलिए अब एंट्री करते हैं। तो देखिए ये है हमारा ड्राइंग रूम। इस तरीके से डेकोरेट किया हुआ है, बहुत ही सिंपल डेकोरेशन है। और ये देखिए लकी बैम्बू। और ये जो स्टोन है मैंने खुद पेंट किए हुए हैं। तो DIY करना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इधर ये फ़ोटो लगी हुई है, देखिए ये मेरी शादी की फ़ोटो है। और इधर ये सीलिंग है। और इसको देखिए छोटी छोटी चीज़ों से डेकोरेट किया हुआ है। कहीं भी हम घूमने जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेके ज़रूर आते हैं। तो ये हमारा ड्राइंग रूम है। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ पे। और इसके बाद ये देखिए छोटा सा डाइनिंग है ये। और ये देखिए फेरिया कितने प्यार से बैठी हुई है ये, और इसको समझ भी नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। और इधर देखिए ये हमारा मंदिर है। चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं, हमारे भगवान जी हैं ये। और इधर मैंने अपनी रिंग लाइट यहीं रखी हुई है क्योंकि परफेक्ट स्पेस यहीं पे है इसका। ये देखिए इस तरीके से लगता है ये। और चलते हैं रूम में। तो एक ये रूम है हमारा। और उस दिन देखिए जो मैंने मंगाए थे यहाँ पे कर दिया है उसका डेकोरेशन।
काफी अच्छा लग रहा है ये। और ज्यादातर YouTube का काम मैं इसी कमरे में करती हूँ। और इस अलमारी में देखिए मेरी बचपन से लेकर अब तक की किताबें हैं, जितनी भी मैंने पढ़ाई की है, एक भी किताबें मैं किसी को नहीं देती हूँ। और देखिए छोटा सा स्पेस है इधर वेंटिलेशन के लिए। और यहाँ पे हम गर्मियों में वॉशिंग मशीन वगैरह रख देते हैं क्योंकि बाथरूम में इतनी जगह नहीं होती है। और यहीं से हमने अटैच्ड बाथरूम दिया हुआ है, ज्यादा अच्छा नहीं है फिर भी आपको दिखाई देती हूँ। ये देखिए सिंपल जैसे सबके घरों में होता है। और उधर से भी इसका दरवाजा इधर से ही है। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे रूम में। और ये पेंटिंग देखिए काफी पसंद है मुझे। और वो लैंटर्न देखिए मैंने यहाँ पे हैंग करी हुई है, बहुत ही प्यारी लगती है ये। तो ये है मेरा बेडरूम और फेरिया भी यहीं पे रहती है। ये देखिए और उधर लगा हुआ है मैंने ड्रीम कैचर। ड्रीम कैचर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और इधर देखिए ऐसा हो सकता है कि मेरे घर में प्लांट ना हो, जो प्लांट सरवाइव कर सकते हैं अंदर वो मैंने लगाए हुए हैं। और इधर ये हमारी अलमीरा है इस कमरे में और फेरिया का बिस्तर ये देखिए। और इधर हमने एक विंडो दी हुई है ताकि हवा आती रहे। और इधर भी एक छोटा सा टीवी लगाया हुआ है। और जो बाथरूम दिखाया था देखिए उसका दरवाजा इधर से भी है। काफी स्पेस बच गया है इस तरीके से करने में। तो देखिए ये था रूम। और ये देखिए ये है हमारा छोटा सा किचन। और यहाँ पे भी हमने एक छोटा सा आर्च दिया हुआ है। और इधर देखिए ये वॉश बेसिन हमने इधर लगाया हुआ है क्योंकि यहाँ पे इतना स्पेस नहीं था तो इस जगह पे लगा दिया है। और ये बैग जिसमें हम सब्जी लेने जाते हैं यहीं पे रख दिया है। तो चलिए पहले आपको इधर से दिखा देते हैं, इस तरीके का लगता है। एक रूम हमारा ये हो गया अंदर जो आपको अभी दिखाया, एक रूम ये हो गया और इधर मंदिर हो गया। तो देखिए ये स्पेस है हमारा। और इधर से है ड्राइंग रूम। मुझे काफी खुला खुला स्पेस पसंद है, ज्यादा तड़क भड़क पसंद नहीं है, बहुत ही सिंपल डेकोरेशन है ये। और अब चलते हैं बाहर। देखिए उस दरवाजे से हम आए थे, अब इस दरवाजे से हम वापस जा रहे हैं। फेरी आओ चलो। और ये बिना इजाजत के मेरी कहीं भी नहीं जाती है। और ये देखिए स्टेयर्स हैं ये ऊपर जाने के लिए छत पे। आपको टेरेस गार्डन भी दिखाया मैंने।
और हाँ, एक चीज़ तो आपको दिखाना भूल ही गई, देखिए ये प्लेट बेकार पड़ी हुई थी, इसका DIY करके मैंने देखिए ये बनाया है, होम स्वीट होम। तो दोबारा आ गए हम गार्डन में, और आप एक चीज़ देख सकते हैं, देखिए ये पोर्च एरिया काफ़ी हमने बड़ा रखा है, ताकि इसमें देखिए दो बाइक खड़ी हैं, फिर भी देखिए कितना स्पेस बचा हुआ है, इसमें बड़ी गाड़ी भी आराम से खड़ी हो जाती है। तो ये हमने मकान बनवाते वक्त ज़रूर ध्यान दिया था, ताकि काफ़ी खुली जगह मिले और गाड़ी खड़ी करने में कोई दिक्कत ना हो। तो फिर से आ गए हम उस गार्डन में, अब चलिए आपको बाहर का दिखा देती हूँ। सबसे पहले ऊपर का दिखा देती हूँ मैं यहीं से, फिर मैं आपको बाहर का दिखाऊंगी ऊपर का। तो देखिए इस तरीके की डिज़ाइनिंग है ये, और पिछले गार्डन ओवरव्यू मैंने आपको नहीं दिखाई थी, ये केवल गार्डन दिखाया था। तो चलिए अब बाहर चलते हैं। तो दोस्तों देखिए मैं गेट के बाहर आ चुकी हूँ, मैं बाहर से दिखाती हूँ आपको। तो दोस्तों देखिए ये है बाहर का व्यू, और मैंने बाहर भी देखिए हैज लगाई हुई है, जितनी भी जगह बची हुई थी मैं एक भी जगह नहीं छोड़ती हूँ। अगर मेरा बस चले तो मैं पूरी अपनी कॉलोनी में प्लांट लगा सकती हूँ, पर ये पॉसिबल नहीं है। तो जितनी जगह मिली उतने में ही मैंने लगा दी हैज, दुरंता हैज है ये। और ये देखिए ये है फ्रंट का व्यू आप सबकी डिमांड पर, और मैं घर का वीडियो नहीं दिखाना चाहती थी आपको फ्रंट का, लेकिन आप सब ने इतना फोर्स किया कि मुझे दिखाना ही पड़ा। और अब हम आ चुके हैं अंदर। तो दोस्तों मैंने आपको घर अपना अंदर से बाहर तक दिखा दिया है, आई होप आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मैंने इसे बहुत ही प्यार से सजाया है जितना भी मैं कर सकती हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और जितने लाइक्स करेंगे उतना ही वीडियो आगे जाएगा, तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें।